गर्मी तो लेकिन सिपाही की नहीं है, गर्मी तो हिंदुस्तानी की। हाय फ्रेंड्स, आई एम सॉरी आज बिना बताए फिर से टपक गए। बिना बताया फिर हम आए हैं, बट एक बात कहना चाहती हूँ। कल हमारे फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी, जिसका नाम पहले बाबरी मस्जिद था, सो अब हम हैं हिंदुस्तानी के नाम से रिलीज़ हो रही है। सो आप सब ज़रूर देखिए, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है जिसके सॉन्ग्स अपलोड किए गए हैं। और एक करती हजन फोन लो ने लेके कैले बानी। हाय फ्रेंड्स, बात करिए। हेलो, सो आप सब जरूर देखिएगा, हम हमेशा आ जाते हैं, बिना बताए हम आ जाते हैं। सो ये एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज होता है कि हम आपसे बात करने के लिए कभी भी हम आ सकते हैं। सो और सब बताइए कैसे हैं, एंड ज़रूर जाइएगा देखने हम हैं हिंदुस्तानी उर्फ बाबरी मस्जिद। लीजिए बात करते हैं हमारे। राति चांद के बिना, जी ही भगवान के बिना, श्री राम कसम राम न जी ही जान के बिना। उसमें एक गाना है कि हर धाम के बिना, सुबह शाम के बिना, किया जान कसम जान न जी ही राम के बिना। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे हमने शूट किया है। कि मुवे खाती हम उतर डी बनी गोरी, हसरी लगा दाद पाता से। बहुत सारे सॉन्ग उसमें है कि गलगु लगु लवा लागे, उठरा सगुलवा हो, खिलल बाड़ू ऐसे जैसे कमल के फूलवा हो। तो आप सबको फिर एक हम हैं हिंदुस्तानी, जो हमारी टीम के पूरी हिंदुस्तानी टीम के तरफ से एक बार हिंदुस्तान के लिए जरूर, पूरी हिंदुस्तान की आम, पूरी हिंदुस्तान की जनता हम हैं हिंदुस्तानी साबित करने के लिए आप लोग जरूर जाएं सिनेमा घर में और देखिए कि आपका बेटा और आपका भाई, आपका भतीजा और मेरे भाइयों की ये गर्लफ्रेंड और हमारी बहुत अच्छी दोस्त काजल रघवानी को देखने के लिए अवधेश मिश्रा से लेकर संजय पांडे जी से लेकर बहुत सारे लोग उसमें हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा मैसेज आएगा हमारे देश के लिए। और कैसे एक आतंकवादी को कोई मारता है, जिस तरह अब्बू दुजाना का मौत हुआ, उसी तरह हम आर्मी को सल्यूट करते हैं। पूरी हम हैं हिंदुस्तानी के सारे टीम के तरफ से आर्मी को सलूट है। अब्बू दुजाना को उसने मौत के घाट उतार दिया हमारे आर्मी ने, तो जय जवान जय किसान। और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिए, कल जाकर साबित करिए कि हम हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं है। तो आप लोगों को साबित करने का कल मौका है, 4 तारीख को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाइए और साबित करिए कि हम हैं हिंदुस्तानी। प्रदीप सिंह जी कैसे हैं, प्रभु जी कैसे हैं आप लोग, अच्छा लगता है। सबका नाम ले लीजिए, काजल जी आप नाम लेंगी तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हेलो हेलो संदीप जी, हाय अभी, हेलो विकास जी, आर्य शायर, शेरनवाज खान जी, थैंक यू सो मच। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया उर्दू में, बट थैंक यू सो मच एंड वी लव यू टू, थैंक यू। हाय वरुण, हेलो जितेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड यही प्यार आप कर भी जाइए एंड साबित करिए कि आप हमसे इतना सारा प्यार करते हैं। एंड हमारी फिल्म देखिए हम हैं हिंदुस्तानी, और हमारे लिए तो बाबरी मस्जिद ही रहेगा हमेशा, बिकॉज हमने 30 डेज शूट किया इस फिल्म को, एंड हम डेली लाइक हर रोज बाबरी मस्जिद, क्योंकि भौकाल मचा दिया था ये बाबरी मस्जिद टाइटल, सो हमारे लिए बाबरी मस्जिद है। आई होप कि आपके लिए भी बाबरी मस्जिद ही होगा। सिर्फ हमारे जो इश्यूज आए थे बीच में, कुछ इश्यूज हुए थे तो उस वजह से नाम चेंज हुआ, लेकिन हम हैं हिंदुस्तानी भी बुरा नहीं है, बिकॉज हम रियल में हम हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं। सो यस,
आई लव दिस नेम एंड वी लव दिस नेम। और जहाँ हिंदुस्तान का नाम जुड़ जाता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चीजें होती है, और आज हम हैं हिंदुस्तानी और साबित करने का मौका आया है। अब्बू दुजानी को जो मौत हमारे आर्मी ने दिया है उसके लिए सलूट है, पूरे आर्मी को, पूरे हिंदुस्तान को सलूट है, और आर्मी को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और आप हॉल में जाकर ये साबित करिए कि आप कितने हिंदुस्तानी हैं। हम हैं हिंदुस्तानी, ये कल साबित करने का दिन है। 4 तारीख को हम और काजल रघवानी पूरे हम हिंदुस्तानी के टीम के साथ आप आइए, ढेर सारा एंजॉय करिए। और हम लोग भी हो सकता है से 1-2 दिन में आप सबसे मिलने जरूर आएंगे। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं खजुराहो में, MP में, दीवानापन फिल्म है उसी के लिए। तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए हमें हिंदुस्तानी को और पूरी टीम को, और इतना भीड़ कर दीजिए कि इतिहास कायम हो जाए कि जहां हिंदुस्तान का नाम जुड़ जाता है वहां पूरी हिंदुस्तान की आवाम वहां जुड़ती है, और पूरे बिहार रूपी नहीं पूरी दुनिया उस नाम के लिए जुड़ती है। तो कल आप सबको साबित करना है जो कितना आप हिंदुस्तानी के लिए जुड़ते हैं और अपने भाई को अपने बेटा को प्यार देते हैं जिसका नाम खेसारी नहीं खेसरिया है। खेसरिया को प्यार दीजिए, आपकी अपनी काजल राघवानी को प्यार दीजिए, और हमारे अवधेश मिश्रा जी, रिसेंटली हमारी फिल्म आई थी मेहंदी लगा के रखना, उसके बाद ये बम्पर ओपनिंग लगना चाहिए और आप सबका ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए। और हमारे डायरेक्टर है देव पांडे जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस फिल्म को लेके, और हमें कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, और हमेशा प्यार से हमने काम किया है एक साथ, और हमने बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पे शूट किया है। जो हमारे प्रोड्यूसर है धीरेन्द्र चौबे जी, तो उन्होंने अपनी अपने होम टाउन ले गए थे इटावा, और वहाँ पे बहुत अच्छा एक महल था, तो हमने वहाँ पे शूट किया है। सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, एंड बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी हैं इस मूवी में। अरे कटी हजनी फोन लो नीले के कैले बनी हो, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं, एंड बात करिए भाई नाम थोड़ा सा लाइट करिए ना, इसमें नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइट कर दीजिए ताकि मैं अपने भाइयों को देख सकूं, उनके नाम पढ़ सकूं। थैंक यू, यस यस। अभी हम गाना शूट कर रहे हैं दीवानापन के, गोलू यादव जी थैंक यू, लव यू यार, थैंक यू सुमन भाई, नेहा राजा, अंशुमान जी, बीरू जी, बीरू यादव जी, अंशुमान सिंह, नितेश शर्मा जी, आजाद राज खान, मयूर जी, आप लोग जरूर जाइए। ये किसी मजहब को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म नहीं है हमारी, हम है हिंदुस्तानी, एक आतंक के ऊपर ये फिल्म है, और आपको देखने को मिलेगा उसमें मैं अबू दुजानी जैसा जो आतंकी है उससे मैंने बोला है कि तुम्हारे रूह को कफन की तमन्ना हो सकती है लेकिन हम कफन से मुंह पोछा करते हैं, ऐसे। तो आप सबको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। और अबू दुजानी ने पूछा है कि इस हिंदुस्तानी का धार तो बहुत तेज है, तो मैंने एक डायलॉग उसमें बोला है कि जब एक हिंदुस्तानी का धार इतना तेज है तो सोच पूरे अगर हिंदुस्तानी बॉर्डर पे खड़ा होकर अगर बाथरूम कर दें तो शायद तुम्हें सिंधु नदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक से काल हमारे और अबू दुजानी के बीच में टकराव है, तो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। और कल जाइए और इतने सारी भारी संख्या में जाइए ना कि इतिहास का पन्ना पे लिखा जाए हम है हिंदुस्तानी, और आप ही सब कर सकते हैं क्योंकि आपके प्यार के बिना हर वो सिनेमा, हर वो आर्टिस्ट, हर वो थिएटर, हर वो संगीत का माहौल अधूरा है, क्योंकि आपके जिंदगी से हमारी जिंदगी चलती है। और एक बात, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स है इस मूवी में। कुंदन यादव जी थैंक यू, आपका फेवरेट हूँ मैं, आप लोग मेरे फेवरेट हैं क्योंकि आपसे मेरी जिंदगी है भाई, आप लोग का प्यार ही तो खेसारी को बड़ा बना है, खेसरिया को। एक भैंस चराने वाले आदमी को आप लोगों ने इतना बड़ा मुकाम दे दिया, इससे बड़ा एक खेसारी के लिए क्या हो सकता है। मेरी जिंदगी की शुरुआत आपसे है और खत्म भी आप तक ही होगी। तो आप लोगों को कल साबित करना है कि आप कितने हिंदुस्तानी हैं, और हम हैं हिंदुस्तानी की ऐसा हो कि बस कल टिकट तक ना मिले, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ कल ही नहीं, कल ही नहीं जब तक ये फिल्म चले हम हैं हिंदुस्तानी के नाम पे इतनी जनता को आना चाहिए कि लगे कि हाँ यार हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं तो हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं और करते हैं और करेंगे। जैसे मेहंदी लगा के रखना थी एकदम
प्योर फिल्म थी, बिल्कुल वल्गैरिटी कुछ नहीं, पूरी फैमिली के साथ हम देख सकते हैं। उसी तरह से ये बाबरी मस्जिद उर्फ हम है हिंदुस्तानी बनी है, सो आप सब ज़रूर देखिएगा। और एक मेरा फेवरेट सीन है इस फिल्म में, कुछ गुंडे मुझे छेड़ते हैं और मेरा दुपट्टा छीन लेते हैं, सो एक हिंदुस्तानी ने आके अपना राम नाम का दुपट्टा मुझे उड़ाया है और मैं इस फिल्म में मोमेडियन हूँ, सो बहुत ही प्यारा सीन है वो, सो आप सब ज़रूर देखी जाइएगा। मैं कुछ बोल नहीं सकती फिलहाल अभी, लेकिन आप जरूर ज़रूर देखिए। और ये है हमारे हिंदुस्तानी जिन्होंने मुझे दुपट्टा उड़ाया राम नाम का। मैं हिंदुस्तानी नहीं हुई, पूरी आवाम जो जुड़ी है, पूरा हिंदुस्तान और इसी तरह, और ये हमारा हिंदुस्तान का खून सारे हिंदुस्तानियों में है, और ये कल साबित नहीं, जब तक सिनेमा चलेगी तब तक साबित करते रहे। एक बात है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान वाले ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है, हमारे हिंदुस्तान की और बिहार यूपी के लोग इतने प्यारे होते हैं, हमारे ये अपनी जान दे सकते हैं, और जहाँ हिंदुस्तान की बात आ सकती है उसमें कोई उंगली उठाए तो उसकी जान ले भी सकते हैं। Yes, of course. तो कहीं ना कहीं आप सबसे जुड़े और अच्छा लगा। हम लोग दोनों अभी जब से यहाँ आए हैं तब से कितने बार लाइव हो चुके हैं, क्योंकि वीरेंद्र कुमार जी, आई लव यू, मेरा थोड़ा सा आई लव यू प्रॉब्लम है। रत्नाकर जी, लव यू सर, थैंक यू, लव यू। आप भी बहुत प्यारे हैं और आपने बहुत सपोर्ट किया, मेहंदी लगा के रखना आपकी कंपनी से रिलीज हुई थी और हुई है, और बहुत सारी फिल्में मेरी छलका था, काजल जी का आप ही के कंपनी से हुआ था, लव यू। राजू मेहता जी, थैंक यू। विवेक सिंह जी, लव यू, आई लव यू, थोड़ा सा आई लव यू प्रॉब्लम है मैं। और थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं, क्या लंदन हम नहीं गए? अरे आप मेरे लिए लंदन आप ही लोग हैं भाई, मेरे जीवन के लंदन और मेरे जीवन के हर वो खुशी आप ही है, और जहाँ विधिवत शादी होती है ना वहाँ पूरी घर के दुनिया जवार हर चीज जाता है आदमी, और जो शादी भगा के होती है ना तो उसमें कुछ रिश्तेदार और कुछ अपने लोग ही जाते हैं, तो वो भगा के शादी वाला था इसलिए हम नहीं गए, हम जहाँ विधिवत शादी होती है वहाँ जाते हैं। बहुत जल्द बिहार में आ रहे हैं, आप सबके बीच में आते हैं, हमारे लिए अवार्ड आप सब हैं, और हमें किसी अवार्ड अगर मैं कुछ भी लेने के हकदार हूँ ना तो सब आपके बदौलत है, तो मैं आप सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, सबके अपने जीवन है, जीने दीजिए, और सबके अपने तरीका होते हैं, हमारे तरीका और जीने का हर चीज़ आप शैली जानते हैं, क्योंकि मैं भैंस पर से यहाँ पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं गोबर उठाया हूँ, दूध बेचा हूँ, बहुत सारी चीज़ें घरवार जी, और हम हमेशा इसी तरह से फिल्में भी बनाएंगे कि हम पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पूरे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, हम हमारे सब दर्शकों को हम प्राउड फील करा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, हमारे सैनिक, मैं भी एक देश का फौजी था और आज भी फौजी बन के नहीं, लेकिन एक संगीत का दीवाना बन के, एक संगीत प्रेमी बन के, एक कलाकार बन के मैं अपने फौजियों का मनोरंजन कराते रहता हूँ, ताकि वो सुन के उनके अंदर एक आग पैदा हो और वो कहीं भी रहें हमारे देश के लिए लड़ते रहें और खेसारी के गाना सुन के एनर्जी पाते रहें। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में अपने हर उस इंसान का मनोरंजन कराऊं, और मेरे सैनिक उनको मैं आज भगवान की तरह पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी दी अपने परिवार से दूर रह रह के जो हमारे देश के लिए करते हैं, शायद उस इस धरती पर कोई नेता नहीं कर सकता और ना ही कोई अभिनेता कर सकता है। अगर पावर किसी के अंदर है तो हमारे देश के जवान हैं, और उनसे महान इस धरती पे कोई नहीं है जो देश के लिए मरना जानते हैं, मिटना जानते हैं, तो उस जवानों को सलूट है, उस आर्मी को सलूट है, हिंदुस्तान के जितने भी फौज कैटेगरी के लोग हैं सबको सलूट है जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। And we love you. और लव यू आर्मी, जो कि हमारे देश के लिए मरना सीखा है, जीना सीखा है, और किसी को मारने तक का सीखा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये खेसारी लाल नहीं होते, आपकी खेसरिया नहीं होते, तो शायद आज ये भी फौज में होते और शायद हम मिलते भी नहीं, बट ये कहीं ना कहीं रह के हमारी सुरक्षा करते और हमारी रक्षा करते, सो थैंक यू सो मच खेसरिया जी, आप फौज में नहीं है बट आप हमारे बीच है तो बहुत अच्छा लग रहा है, राइट पीपल। थैंक यू। अरे अवार्ड नहीं, मुझे मैं बेस्ट एक्टर हूँ या नहीं हूँ ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड और सबको हक है। यस, कुछ दिन सबको हक है, और मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता, मेरे अवार्ड आप सब हैं, और अवार्ड घर में रख के मैं जीवन नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे आपके जीवन में मैं कितना बड़ा स्टार हूँ, मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ,
आप तय करेंगे तो शायद मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। और मैं पहले ही बोला कि जो विधिवत शादी है होती, उसमें पूरे गांव, पूरे जिला, पूरे लोग जाते हैं। जो भगा के शादी होती है ना, उसमें सिर्फ अपने लोग जाते हैं, तो वो जो था वो भगा के शादी था। मैं एक बात कहूं, काफी बॉलीवुड के भी स्टार्स हैं जो अवार्ड नहीं लेते हैं और हाँ। बहुत लाइक बहुत सुपरस्टार आज है। आज हमारे आमिर खान जी अवार्ड कभी नहीं लिया उन्होंने, कभी नहीं लिया। तो क्या वो स्टार नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्या वो अच्छे एक्टर नहीं है? साल में सिर्फ एक मूवी आती है, साल में एक ही मूवी, और 2000 करोड़ की बिजनेस उनकी मूवी करती है। धमाल मचाते हैं। आप हैं तो हमारे जीवन, तो आप हमारे वार्ड, आप सब फिल्में नहीं चलती है आप लोगों के प्यार से और आप लोगों की वजह से, सो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो आप ही है। सबको पाना चाहिए, किसी के अवार्ड मिलने से मुझे तकलीफ नहीं है भाई, क्योंकि मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता, मैं आप सबके लिए काम करता हूँ, आप सबकी खुशी के लिए काम करता हूँ। तो मुझे अवार्ड से कोई मतलब नहीं रहता और ज्यादा लगाव भी नहीं रहता है। हाँ, मैं अगर बॉम्बे में हूँ, फ्री हूँ, अगर कोई बुलाता है किसी पार्टी में सम्मान देने के लिए तो मैं जाता हूँ, नो डाउट, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जाना चाहिए, और किसी का काम नुकसान करके मैं कोई काम नहीं करता, मुझे सम्मान अपने काम से मिलता है, तो मैं उस काम को छोड़ के मैं अपने सम्मान के लिए कहीं नहीं जा सकता। थैंक यू अंशु गुप्ता। और यस, पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत सारे, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पहले हम भोजपुरी सिनेमा नहीं देखते थे, बट आपकी मूवी देखी, हमको अच्छी लगी, तभी से आपको हम बहुत लाइक करते लगे हैं और आपकी मूवी हम जरूर देखेंगे। आई लाइक यू खेसारी जी। थैंक यू अंशु गुप्ता जी। जहाँ तक आप फिर से किसी ने अवार्ड की बातें करी, अवार्ड की जहाँ तक बात है, अगर लंदन में हमारी फिल्म रिलीज होती तो शायद हमें उससे ज्यादा खुशी होता, क्योंकि अगर प्रमोट भोजपुरी को करना है तो भोजपुरी को रिलीज आप लंदन में कराइए, तो शायद हम उससे भी ज्यादा खुशी होंगे। अवार्ड लेने के लिए जो हमारा सम्मान वहाँ नहीं मिल सकता, कोई स्वागत करने वाला नहीं है, तो मैं अवार्ड लेकर लंदन से आकर क्या करूंगा? और मुझे नहीं चाहिए यार, लव यू, आप लोग का प्यार मिलता है ना, मेरे लिए अवार्ड वही है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। हमें विरासत में आप नहीं मिले हैं, हमारे प्यार के लिए मिले हैं, आप हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए अवार्ड कोई नहीं है। तो प्लीज आप लोग अवार्ड की बातें मत करिएगा, अब नहीं मत करिए, क्योंकि जीवन में आपसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, और जिंदगी में आप सब हैं तो भी मेरी जीवन है, नहीं तो आप आज लोग कह देखिए सारी तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, मैं चला जाऊंगा, फिर भैंस में दम 20-25 भैंस रखूंगा, दूध दूंगा और आप सबके बीच में बेचता रहूंगा दही जमा के, क्या होगा? नहीं, लेकिन आप सबके प्यार ने खेसारी को जीवन दिया है। आज भी चाहता हूँ जब भी गाँव जाता हूँ तो भैंस दूता हूँ और खेत में काम करता हूँ, मजा आता है अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मेरी जीवन मिट्टी से शुरू हुई है, मिट्टी में रहना पसंद, और मैं जब भी चाहता हूँ कि प्रमोट अगर अपने भोजपुरी को करना है तो इंग्लैंड में रिलीज कराइए सिनेमा, सिनेमा घर बढ़ाइए वहाँ पे, भोजपुरी बोलने वाले लोगों के बीच में सिनेमा ले जाइए। हम दोहा भी जाते हैं तो वहाँ के पब्लिक भी हमें बोलती है, जो हमारे फैंस हैं वहाँ पे, बिहार से गए, कुछ यूपी से गए हैं, इंडिया से जो भी गए, वो बोलते हैं कि यहाँ पे फिल्में नहीं लगती हमारी, तो बुरा लगता है कि हम जहाँ शोज करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारी फिल्में नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो हमें यूट्यूब से देख के, इतना सारा हमारे, इतने सारे फैंस से इतना प्यार देते हैं वहाँ पे, इतना स्वागत करते हैं हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। थैंक यू, लव यू, और कल आप लोग साबित करिए कि हम हैं हिंदुस्तानी, और कल ही नहीं जब तक सिनेमा लगे तब तक कितने भीड़ के साथ जाइए कि खेसारी और पूरी हिंदुस्तान गदगदा जाए कि हाँ, हिंदुस्तान का जहाँ नाम आ जाता है पूरे यूपी बिहार उस पे, जैसे देश के जवान टूट पड़ते हैं दुश्मन पे, वैसे हिंदुस्तान के नाम आते ही हर वो हिंदुस्तानी एक तरफा हो जाता है और उसके लिए खड़ा होता है। मैं आज 5 दिन से तबीयत खराब और बुखार में काम कर रहा हूँ, सिर्फ आपके प्यार के लिए, खांसी हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है और मेरी जीवन आपसे शुरू होती है और आप ही तक ख़त्म, तो आपके लिए मरना भी पड़ेगा तो खेसारी मर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और काजल रघवानी जो कि इनके साथ जो भी मेरी मूवी आई है सुपर डुपर हिट है, और आने वाली मूवी जो मेरी है वो आपके बीच में फिर 25 को रिलीज होने वाली है, एक बहुत खतरनाक मूवी और, जिसका नाम है जिला चंपारण, उसने आपने देखा भी होगा। मैंने देखा है ट्रेलर, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है जिला चंपारण, और बहुत ही क्यूट सी हीरोइन भी आ रही है, मनी भट्टाचार्य और मोहिनी घोष, तो बहुत ही क्यूट क्यूट दोनों हीरोइंस है, तो आप उसी तरह हमें भी जितना प्यार देते उसी तरह उनको भी प्यार दीजिए और वो भी हमारी इंडस्ट्री में आगे बढ़े और आपको एंटरटेन करे। विकास कुमार जी, लव यू, आई लव यू। पटेल जी, एडीबी, लव यू। शिरीष पटेल, एमडी कमरान आलम जी, थैंक यू, आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, तो आप लोग जरूर जाइए, हम हैं हिंदुस्तानी के लिए। कल
इतने भीड़ के साथ, और कल ही नहीं जब तक ये सिनेमा घर में इसको 50 डे नहीं कम से कम 100 डे चलाना है आप सबको, ताकि हिंदुस्तान का जहां नाम जुड़ जाए वहां हमारी फिल्में और एक अब्बू दुजाना का जो मैंने कैसे खात्मा किया है आप सबको देखने को मिलेगा उसमें। जिस तरह अब्बू दुजाना का खात्मा आर्मी ने किया, उसी तरह सिनेमा में भी अब्बू दुजाना का खात्मा खेसारी लाल यादव ने किया है। तो आप जरूर देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब हम लोग को बुलाहट आ गया है, हम गाना कर रहे हैं अभी, तो वहां जाना पड़ेगा हम लोग को। तो बस हरी कट्टी हजन फोन लोन लेके कैले बानी हो, हसरी लगा ले दुपहटा से, चले लव यू, आई लव यू ऑल, मा मा लव यू टू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू टू राजा बाबू एंड ऑल ऑफ माय फैंस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बहुत जल्द हम मिलेंगे बिहार में, हम बहुत जल्द आएंगे आप सबसे मिलने। कल और एक बार रिपीट करती हूँ मैं, कल हमारी फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी और बाबरी मस्जिद, नहीं बाबरी मस्जिद और हम हैं हिंदुस्तानी रिलीज हो रही है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड गिव योर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग, थैंक यू। और बहुत जल्द हम मिलेंगे। अभी हम शूट पे जा रहे हैं, मैं आपको मेरा सेट दिखाती हूँ। हाय रामा चौधरी जी, हेलो मोशुद खान जी, हेलो इकबाल जी, ड्योरा, हेलो, ये है हमारे क्यूट कानू मुखर्जी जी, जिन्होंने मेरा गाना किया था मेहदी का। कि जाने कहनी एगो जान, जाने कहनी जान, कि का कमी रहे खेसरिया यहीर में, नई खुद तकदीर में जा। यही गाना किए थे हमारे मास्टर जी। और देखिए है मेरा पार्टनर, संजय मानन पार्टनर, पार्टनर, हम हैं हिंदुस्तानी। और एक हमारी हीरोइन इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जिनका नाम है अमृता, अमृता। और बहुत क्यूट है, देख रहे हो आप, और बहुत इनसे कम हमारी फिल्म हमें हिंदुस्तानी रिलीज कर लो रही है, उनके लिए आप भी अपील करिए। हाँ जरूर ये मूवी देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए इन दोनों को। कल रिलीज हो रही है हमें हिंदुस्तानी, जरूर से जरूर देखिए, और साथ में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये भी हम लोग सबको प्यार दीजिए। बाय, थैंक यू। हाँ तो ये है हमारा सेट। आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड बहुत मजा आ रहा है, हम शूट कर रहे हैं। ये है हमारे अजय जी, एसोसिएट डायरेक्टर, यस। ये है कृष्णा जो मुझे सजाता है ऐसा मेकअप करके, और बाकी की दो बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। सामने कैमरास लगे हैं, यू कैन सी दैट थिंग, से हाय, हेलो, चलो काजल, आई एम हियर, यार रेडी हो चलो अब सिया। और ये है सोनू जी, और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। ओके फ्रेंड्स, लव यू एंड कल जरूर देखिएगा हमें हिंदुस्तानी उर्फ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद उर्फ हमें हिंदुस्तानी, और ढेर सारा प्यार दीजिए आप भी हमारे हमें हिंदुस्तानी को। जाइए देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ही अच्छी शानदार फिल्म बनी है, आपके आने से ही हमें बहुत सुकून मिलेगा। हम है हिंदुस्तानी, हम है हिंदुस्तानी टू, जरूर बनेगी। लव यू, लव।